हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया जी। सर, आज हम लोग अपने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स यानी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में, यानी असेसमेंट ऑफ कंपनी का जो फर्स्ट पार्ट चल रहा है, उसमें हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जरा हम उनको देखें। जाहिर सी बात है, लास्ट सेशन उम्मीद करते हैं, लास्ट सेशन को आपने उम्मीद करते हैं घर पे अच्छी तरह से पढ़ा होगा और उसको रिवाइज करने के बाद यहाँ पर बैठे हैं। नहीं पढ़ा है तो गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन फंसेंगे, कंफ्यूजन की स्टेटस अब स्टार्ट हो जाएगी। कंफ्यूजन अगर दूर रखना है, टाटा बाय बाय बोलना है कंफ्यूजन को, तो उसके लिए आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी। जी सर, क्या है ये क्वेश्चन बैंक? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे 12-13 क्वेश्चन तो होंगे हमारे इन टोटालिटी, बट यस ऑल द क्वेश्चन वुड बी इंपॉर्टेंट वन, एंड हर क्वेश्चन को ढंग से देखना है, पॉइंट समझने हैं, उसके बाद हमको कंटिन्यू करना है। क्या कहता है? चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? हाइपर लिमिटेड एंगेज, अब ढंग से सुनेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। हाइपर लिमिटेड एंगेज इन डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे भी आपको मालूम है कि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करेगा फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे भी आपको मालूम है कि सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा, कैसे करना है, क्या करना है, जरा ढंग से सुने। कहता है 14,25,000 अर्न किया है आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट द फॉलोइंग आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ये सारे के सारे डेबिट और क्रेडिट हो चुके हैं, इसको ध्यान में रख करके आपको काम करना है। क्या क्या हो चुके हैं? हम यहाँ नॉर्मल प्रोविजंस लिखेंगे और यहाँ मेट के प्रोविजंस लिखेंगे। क्या क्या एडजस्टमेंट होगा नहीं होगा वो देखते हुए चलते हैं। पहला कहता है इंडस्ट्रियल यूनिट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 80IE। 80IE का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा मेट में, मेट में कोई 80 से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, आपको मालूम है। लेकिन जब हम नॉर्मल प्रोविजन में आते हैं तो डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन इसकी मिलती है अंडर सेक्शन 80। डिडक्शन 80 में 80 की मिलेगी। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी, दोनों में एडजस्टमेंट होगा। सेल्स टैक्स डिमांड पेड कर दिया है तो इसमें तो वैसे भी एडजस्टमेंट नहीं होता मैट में, क्योंकि मैंने सेल टैक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं की थी। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम की, तो सेल्स टैक्स आपका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक जमा हो जाना चाहिए, और इसने लिखा भी है ड्यू डेट तक जमा हो गया है, तो इसलिए ये अलाउड हो जाएगा, इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट यहां भी नहीं होगा। पेनाल्टी यहां एडजस्टमेंट होगा, जबकि मैट में जब हम आपको पूरी लिस्ट बता रहे थे तो कहीं भी पेनाल्टी वर्ड यूज नहीं किया गया था। इट मीन्स इट इज ऑफ नो यूज टू डू एनी टाइप ऑफ एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पेनाल्टी। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, दोनों में एडजस्टमेंट होगा। एसटीटी ऑन परचेज, यहां एडजस्टमेंट होगा, जबकि मैट में पढ़ा रहा था तो वहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर एडवांस रिसीव ऑन विच टीडीएस वॉज डिपॉजिटेड इन टाइम, तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, और वैसे भी मैट में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये तो दोनों में एडबैक कर लिया जाएगा, और डेप्रिसिएशन उतना ही माइनस किया जाएगा जितना टैक्सेशन सिस्टम में अलाउ किया गया है, ये माइनस हो जाएगा टैक्सेशन सिस्टम में। जबकि मैट प्रोविजन में डेप्रिसिएशन पूरा माइनस होता है, हमने प्लस कर दिया, देखो ना डेप्रिसिएशन यहां हमने प्लस कर दिया, लेकिन माइनस उतना ही करेंगे जितना बुक्स में दिया है रिवैल्यूएशन वाला हिस्सा छोड़कर। तो रिवैल्यूएशन वाला हिस्सा कितना है? 150 है, तो हमारा माइनस हो जाएगा 150 वाले, देखेंगे अभी करेंगे तो हम आपको बता देंगे। और प्रॉफिट फ्रॉम 100% ईओयू एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10AA, 10AA बेसिकली दिस इज नॉट द एग्जेम्प्शन, दिस इज द डिडक्शन। तो यहां तो इसका डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, यहां इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपको मालूम है डिडक्शन से रिलेटेड कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता यहां। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है इसको आप एडजस्ट कर लेंगे, यहां इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। यूटीआई की इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो यहां भी एडजस्टमेंट होगा, यहां भी एडजस्टमेंट होगा, दैट्स इट। बाकी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बचा हुआ है देख लेंगे, द टर्नओवर ऑफ द फॉर्म, ठीक है छोड़ दो, हम दोनों कर देते हैं यहां पर, मेन पॉइंट तो खत्म हो गया, असली लड़ाई हम लोगों ने लड़ ली। ये है आपका नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से, ये है आपका मैट प्रोविजंस के हिसाब से। प्रॉफिट एज गिवन, प्रॉफिट एज गिवन कितना दिया है? दैट इज गिवन टू अस 14,25,000, तो हम यहां लिख देंगे
आगे एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 80IE, तो डिडक्शन दे देंगे कितना है, यहां है 270 प्लस इनकम और 210 एक्सपेंडिचर, यानी 60,000 रुपए मेरे इस प्रॉफिट में शामिल है नॉर्मल प्रोविजन में, जबकि 80IE का डिडक्शन मिलना है पूरा 60,000 शामिल है, तो मैं यहां माइनस कर दूंगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IE कितने का, 60,000 का, और इसका कोई ट्रीटमेंट वहां नहीं होगा आपके मैट प्रोविजंस में, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडियरी दोनों में एडजस्टमेंट होगा 70,000 का, ये हो गया 70,000 का प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडियरी, चलिए एडजस्टमेंट हो गया, आगे बढ़िए 75,000 सेल्स टैक्स डिमांड, हमने कहा दोनों में टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, काट दिए हैं ऑलरेडी। अच्छा पेनाल्टी 90,000 दोनों में नहीं, केवल पहले वाले में होगा, पेनाल्टी यहां प्लस हो जाएगा 90,000 क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन कहता है पेनाल्टी हम डिसअलाउ करेंगे, जबकि यहां पर पेनाल्टी को अलाउ किया गया है मैट प्रोविजन में, छोड़ देते हैं। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डिमांड 1,05,000 दोनों में डिसअलाउ हो जाएगा, ₹1,05,000 ठीक। आगे कहता है एसटीटी, तो हमारा नॉर्मल में डिसअलाउ हो जाता है, 15,000 का है, 15,000 का है, और यहां मैट प्रोविजन में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कुछ नहीं बोला था हमने। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिट टू बायर ऑन 31st फॉर एडवांस रिसीव फ्रॉम देम ऑन विच टीडीएस वॉज डिपॉजिटेड इन टाइम, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, छोड़ दो। 360 का डेप्रिसिएशन, पहले तो बुक्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है उसको एड बैक कर लो बिना कुछ सोचे समझे, चाहे कोई भी केस हो। अब एक लाइन बाय लाइन सोचते हैं, फर्स्ट केस में नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स प्रोविजन के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और टैक्स प्रोविजन के हिसाब से कितना है 280, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन टैक्स प्रोविजन के हिसाब से, जबकि यहां डेप्रिसिएशन माइनस होगा एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का हिस्सा छोड़, बुक्स वाला ही माइनस होगा, 360 ही माइनस होगा, लेकिन 360 में से हम रिवैल्यूएशन वाला फिगर हटा देंगे, कितना है 150, तो 360 माइनस 150 दैट इज 2,10,000, दोनों में अंतर आ गया, डिफरेंस समझ में आ रहा है बिल्कुल। प्रॉफिट फ्रॉम 100% ईओयू एग्जेम्प्ट, तो ये बेसिकली 10AA इज नॉट एन एग्जेम्प्शन, दिस इज डिडक्शन, और डिडक्शन हमको केवल पहले वाले में मिलती है 60,000 की, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA एक्सपोर्ट वाली 60,000, उधर कुछ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 360 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस कर देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां 360, और पीजीबीपी के बाद हम प्लस कर देंगे एलटीसीजी 360, क्योंकि पीजीबीपी तो निकाल नहीं रहे, पहले तो पीजीबीपी निकालने की आदत डालो, पहले हम क्या निकालेंगे पीजीबीपी, जब पीजीबीपी में काहे के लिए शामिल करोगे एलटीसीजी, पहले उसको हटाओ, लेकिन इनकम तो है उसको एड तो करना है, टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा ही, तो क्रॉस टोटल इनकम का पार्ट तो बनेगा ही बनेगा ही, जबकि एलटीसीजी का यहां कोई ट्रीटमेंट नहीं होना है। इनकम फ्रॉम यूनिट्स सेक्शन 10 माइनस कर दो, सेक्शन 10 वाला बिल्कुल माइनस कर देंगे आप, यूनिट्स ऑफ यूटीआई दोनों से माइनस हो गया। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तो कितना कितना दिया है, पहला है नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल यानी कि इनकम टैक्स का प्रोविजन है, कितना दिया है,
इनकम टैक्स के हिसाब से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पहले माइनस होता है, होता है ना? हाँ सर, तो 4,20,000। और फिर माइनस होगा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, कितना दिया है 5,640। ये आ जाएगा पीजीबीपी, उसमें आ जाएगा कैपिटल गेन ऐड कर देंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इस केस में जो हमारा मैट प्रोविजन के हिसाब से है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस, तो हमें तो सीधे ये कम दिख रहा है, 6,00,000 रुपए है मैट प्रोविजन के हिसाब से। तो माइनस अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, जो दोनों में से कम होंगे वो माइनस हो जाएगा बुक्स के हिसाब से। दैट्स इट। ये है टैक्सेबल इनकम और ये कहलाएगा बुक प्रॉफिट। देखते हैं कितना कितना आ रहा है। ये आपका आंसर है। अब टैक्स निकालते हैं। अब 1 करोड़ से कम की इनकम है तो सीधी सी बात है, सबसे पहले एलटीसीजी पर 20% के हिसाब से, किस पर है एलटीसीजी की इनकम, कौन सी है? अच्छा 10% लगेगा, 10% लगेगा क्योंकि ये सेल ऑफ इक्विटी शेयर है। कौन सी इनकम है? सेल ऑफ इक्विटी शेयर, और वो भी इन एक्सेस ऑफ ₹1,00,000, जबकि है कितना 360 है। तो 360 माइनस 1,00,000, पहले ये एग्जेम्प्ट होता था लेकिन अब मालूम है आपको ये टैक्स लगने लगा है 112A के हिसाब से, तो 260 का 10% 26,000। अच्छा दूसरा रेस्ट कितना बचा? रेस्ट 360 माइनस कर लें आप, 1250 में से 360 माइनस कर दें तो 890 का 30% यह आ जाएगा 2,67,000। प्लस 26,000, 2,93,000 प्लस HEC, ये आ गया टैक्स लायबिलिटी। अच्छा अगर हम मैट प्रोविजंस के हिसाब से चलें तो टैक्स ऑन अबव, तो आपको मालूम है 15% फ्लैट रेट है,
प्लस एचईसी, सरचार्ज तो लगना नहीं है, आपको कौन सा अमाउंट पे करना पड़ेगा? सर सोचना क्या है, हम तो इसी को पेमेंट करेंगे क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स ज्यादा आ रहा है। गवर्नमेंट कहेगी ना बाबा ना, तुम नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स दो, मैट में तो तुम्हारा टैक्स कम आ रहा है, छोड़ दो ना मैट को, गवर्नमेंट तो यही बोलेगी ना। तो यहां पर मैट के हिसाब से टैक्स नहीं पे होगा बल्कि नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स पे होगा, 3,04,720। यहाँ कैलकुलेशन किया है, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? ओके, ये 360 माइनस होना है, सॉरी, वही मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं एक बार और। कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई, डिफरेंस आ गया यहां पर। आप करेंगे, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था, टोटल प्लस माइनस गलती हो गई, ये माइनस था, हमने इसको ये नहीं लिखा था, ठीक है, आप लोग समझदार हैं। 290, ओके, सिक्स फिफ्टी, फाइव थर्टी, ग्रेट, बहुत अंतर आ गया। 530 में 360 निकाल लीजिए, जिस पर हमने कैपिटल गेन का टैक्स दिया है, बचा 170। ये आ जाएगा 51,000 प्लस 26,000। ओके, उल्टा हो गया ना केस, +4%। ठीक है, यही तो आ रहा था ना, ठीक है, मैच कर रहा है, माइनस करते हैं 87,620। अब एक बात बताइए, नॉर्मल प्रोविजन कहता है भाई टैक्स दो 80,000 और मैट प्रोविजन कहता है 1,60,000, तो मिनिमम का नाम ये है हमको इसको पे करना पड़ेगा पे। लेकिन नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन रही थी ये, तो गवर्नमेंट का एक काम करो, जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो ना, एक्स्ट्रा पेमेंट कितना कर रहे हो आज की डेट में नॉर्मल प्रोविजन से अधिक, 87,620, इसको आप कैरी फॉरवर्ड करो और टैक्स क्रेडिट ले लो आप नेक्स्ट 10 असेसमेंट ईयर्स में, नेक्स्ट 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स में आप इसकी क्रेडिट ले सकते हैं जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे टैक्स का। लेकिन एटलीस्ट आपको हर साल मैट के हिसाब से मैट वाला तो टैक्स देना ही देना है। तो दिस वॉज योर आंसर, एक जगह कैलकुलेशन मिस्टेक थी, होप सो यू अंडरस्टैंड द थिंग। आप अब इसको एड अपनी कॉपी में नोट करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें।
चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर टू की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, अ डोमेस्टिक कंपनी हैज एन अंडरटेकिंग न्यूली एस्टेब्लिश फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके गॉट इट। द प्रॉफिट ऑन विच हैव बीन मर्ज इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं तो सारे प्रॉफिट उसी में मर्ज हो जाते हैं, आप ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आपने जब स्टेटमेंट बनाया तो उसमें मर्ज हो गया। आपको 115 GB के हिसाब से काम करना है, 19-20 में इतना हमारा टर्नओवर था। अभी छोड़ देते हैं इस लाइन को, नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 200 लाख, एक्सेम्प्ट इनकम एक्सेस रियलाइज। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं दोनों प्रोविजन के हिसाब से। केवल बुक प्रॉफिट निकालना है क्या, देखते हैं जो जो निकल सकता है। दोनों हम बना दे रहे हैं, दोनों का एडजस्टमेंट आपको समझ में आना चाहिए, भले ही बनाने के लिए एक बोला हो। अभी हम लोग नए हैं इस मामले में, हम नहीं मतलब आप लोग नए हैं, तो हमें दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा साथ में। केवल मैट को नहीं ले सकते, अगर केवल लिखा भी हो तो भी। स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एज गिवन स्टेटमेंट ऑफ पीएल के हिसाब से। सामने सामने लिखने से आपको दोनों के बीच में फर्क भी पता चलेगा। कहता है 200 लाख है दोनों का पीएल अकाउंट के हिसाब से। अच्छा, एग्जेम्प्ट इनकम सबसे पहले दिया है, तो एग्जेम्प्ट इनकम भाई हट जाता है, माइनस कर दो 20 लाख। एग्जेम्प्ट इनकम हमेशा दोनों से माइनस हो जाता है। कितना कितना दिया है, 200 कितना दिया है, कहां गया 20 लाख। अच्छा नेक्स्ट कहता है एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ लैंड, तो ये कैपिटल गेन है। पहली बात तो ये एक्चुअल है या नहीं कैपिटल गेन, वो बात की बात है, लेकिन एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ लैंड हमारा ये माइनस कर देगा प्रॉफिट ऑन लैंड। माइनस कर देगा, यहां कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, बुक्स पे कोई कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट नहीं होगा मैट के हिसाब से अगर देखें तो। अच्छा, नेट प्रॉफिट ऑफ द अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अच्छा एक बात बताओ, हमने यहां पर निकाल लिया, दो मिनट के लिए हमने यहां पर निकाल लिया मैंने पीजीबीपी, ये पीजीबीपी में हम लोग ऐड कर देते हैं ना कैपिटल गेन, तब तो हम यहां आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अरे बोलो ना, उसमें से माइनस करते हैं डिडक्शन, अरे बोलो ना, जो बचता है वो होता है हमारा टैक्सेबल इनकम। हम लोग यही जानते हैं, और यहां जो बचता है वो बचता है हमारा बुक प्रॉफिट। अच्छा क्या लिखा है, 100 लाख नेट प्रॉफिट ऑफ द अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, 100 नेट प्रॉफिट। तो भैया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है ना इनकम। अरे भाई बोलो ना, डिडक्शन मिलता है ना। हाँ सर, तो 100 लाख का डिडक्शन तो पक्का मिलना चाहिए हमको। नॉर्मल अगर इनकम टैक्स के हिसाब से प्रोविजन की बात की जाए तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा ना 10AA में, बिल्कुल मिलेगा सर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, और जबकि ऐसा कोई डिडक्शन वहां नहीं मिलता मैट प्रोविजन में। माइनस कर दें डेबिट साइड ऑफ द पीएल, डेप्रिसिएशन पहले तो प्लस कर दो दोनों तरफ का 100 लाख जो आपने बुक्स में लिखा है, पहले तो वो प्लस कर दो, प्लस डेप्रिसिएशन 100 यहां भी, प्लस डेप्रिसिएशन बुक्स वाला 100 यहां भी। अच्छा नॉर्मल में टैक्स वाला माइनस होगा डेप्रिसिएशन, और मैट में बुक्स वाला ही होगा, लेकिन रिवैल्यूएशन का फिगर हटा करके चलिए वो आएगा, देखा जाएगा। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडियरी 60-60 दोनों में एडजस्टमेंट होगा। डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स लॉस 150 माइनस कर दें, और यहां माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन वही 100 लाख, लेकिन रिवैल्यूएशन वाला हटाकर। कहीं कुछ दिया है क्या रिवैल्यूएशन के लिए, हमको कोई भी फिगर कहीं दिख रही हो नीचे,
नहीं दी हुई है, नहीं दी हुई है तो हम पूरा का पूरा वही माइनस कर देंगे जो डेप्रिसिएशन प्लस किया था, मान लेंगे बिना रिवैल्यूएशन के है तो पूरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए सर। कहता है कैपिटल गेन टैक्स लॉस के हिसाब से 40, तो यहां 40 ऐड कर लो टैक्स लॉस के हिसाब से, बाकी जो बुक्स में दिया था वो पहले माइनस कर चुके हैं, अब टैक्स लॉ के हिसाब से कैपिटल गेन जो आएगा वो प्लस कर देंगे टोटल इनकम में। लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट ओके 50 और 60 जो दोनों में से कम हो 50 माइनस कर देंगे। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो दोनों में से लो हो और है आपका 50। चलिए बस 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 बस, दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान है, 200 माइनस 20 माइनस 30 प्लस 100 प्लस 60 माइनस 150, दिस इज योर 160। प्लस 40, दिस कम्स आउट टू 200, दिस इज योर 100 यानी 1 करोड़। इधर का आ गया 180 प्लस 100 प्लस 60 माइनस 100 माइनस 50 190। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर 100 and 190। 100 and 190 ये आया तो है, ये आया 190 और ये आ गया 100। टैक्स निकाल लेंगे आप लोग आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आपका आंसर हो गया। दैट्स इट, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान था जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, बात माने बच्चों मेरी, एक छोटी सी बात है कि आप जैसे जैसे कंसेप्ट को क्लियर कर, भाई एक बार में तो कोई चीज किसी को क्लियर नहीं होगी। अब आपको कहीं कई बार डाउट होता होगा कि सर ये आपको रट्टा मारा हुआ है, आपने 50 बार क्वेश्चन को सॉल्व, अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप कंसेप्ट को समझो, एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार करो, दूसरी बार नहीं समझ, जितनी बार उन चीजों को आप पढ़ेंगे वो चीजें अपने आप माइंड में सेट होती चली जाएंगी। इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजें अपने आप क्लिक करना स्टार्ट कर देती हैं कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 और आज का ये छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करके आज हम आपको कहेंगे कि इन 3 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक सेशन में 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, आने वाले 2 सेशन में हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा जी। द प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 190 लाख आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, चलिए कर देते हैं फिर से। ये सामने सामने बनाने से एक फायदा मिलेगा आपको, आपको समझ में आएगा कि करना क्या है हम लोग को। यह है नॉर्मल प्रोविजंस और यह है मैट प्रोविजंस। प्रॉफिट एज गिवन, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। $190 lakhs, रेजिडेंट कंपनी है, कुछ नहीं दिया है तो वही मानकर चलते भी हैं। कहता है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, मैंने कहा डेप्रिसिएशन का मैटर है, पहले तो पूरा 100 ऐड कर लो दोनों केसेस में, चाहे कोई भी पॉइंट हो, बाद में बात करेंगे। जब हम फर्स्ट की बात करते हैं नॉर्मल प्रोविजन, तो टैक्सेशन के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन होता है उसकी बात दे, देखो डेप्रिसिएशन के बारे में कहता है डेप्रिसिएशन के बारे में हमें कुछ नहीं दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, रिवैल्यूएशन का दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में केवल बुक प्रॉफिट ही निकालना था शायद जी, इस क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट ही निकालना था, लेकिन हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन टैक्स लॉ के हिसाब से, मान लेंगे ये 100 ही है पूरा, नहीं दिया है कुछ तो मान लो ना, करना है ना दोनों मेथड से, भले बुक्स ने क्वेश्चन ने बोला हो ना बोला हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन, उसके बारे में हमें फिगर दी हुई है रिवैल्यूएशन की 40 लाख, तो हटा दें माइनस कर दें केवल 60 लाख, दैट्स इट, आगे बढ़े। रिजर्व फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 50,
रिजर्व में ट्रांसफर होता है, कोई भी रिजर्व हो एडबैक तो कर ही दिया जाता है, अब तो उसमें हमको कुछ बताने की जरूरत ना को। टैक्स प्रोविजन 40, चाहे कोई भी हो ऐड कर लो। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड चाहे कुछ भी हो ऐड कर लो 120। बहुत आसान है। अच्छा, इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन दी है, प्रॉफिट में 10 लाख एग्जेम्प्ट इनकम का है तो माइनस कर देंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 10 लाख से 10 वाला है ना, हाँ माइनस कर दिया, और एग्जेम्प्ट इनकम यहां से भी हटा देते हैं, चाहे वो नॉर्मल प्रोविजन का भी क्यों ना हो, 10 हटा दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लैक्स ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स, वो भी माइनस हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है। 50 लाख हमारा क्रेडिट हुआ है पीएल में, पीएल में क्रेडिट हुआ है जो कि रीवैल्यूएशन रिजर्व से है, विच वॉज ड्रॉन फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व, विच वॉज ड्रॉन फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व, अमाउंट ऑफ ₹50 लाख क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल वॉज ड्रॉन फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व माइनस। मान लेते हैं ऑलरेडी टैक्स है, यहां माइनस करेंगे अमाउंट विड्रॉ, लेकिन ये किसी भी कीमत पर उस अमाउंट से अधिक नहीं होना चाहिए जितना हमने जमा किया है, यानी कि कहता है रीवैल्यूएशन रिजर्व में हमारा है 50 लाख का क्रेडिट, जबकि हमारा डेप्रिसिएशन में शामिल है, जरा देखें, 40 लाख का, ये डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 40 लाख का, क्यों? तो मैक्सिमम हमारा माइनस होगा 40 लाख का, उससे ज्यादा माइनस नहीं हो सकता, जितना भी विड्रॉ किया है, जितना हमने इसको पहले प्लस किया है उतना ही माइनस करेंगे, जितना प्लस किया है उतना ही माइनस करेंगे, उससे ज्यादा हम माइनस नहीं कर सकते। जी सर, लास्ट कहता है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट एसेट साइड में दिया हुआ है 30 लाख, यानी लॉस दिया हुआ है हमारा पीएल अकाउंट का बैलेंस 30 लाख, जिसमें इसमें ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और ये है 20 लाख का और 10 लाख का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, यानी एक तरह से देखो तो 30 लाख है जिसमें 10 लाख हमारा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो 30 लाख, लेकिन उसमें शामिल है 10 लाख का अनएब्जॉर्ब, जो दोनों में से माइनस हो कम हो वो माइनस कर देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विच एवर इज लो, 10 है ना, 10 माइनस कर देंगे, दैट्स इट। हमें ये पूछा नहीं था, हमने दोबारा बना दिया आपके केवल सेटिस्फाई करने के लिए, अदरवाइज चूंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है तो हम इसी को ही बनाएंगे, और क्वेश्चन ने बोला भी है कि यही प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन का हिंट यही है, थ्री एट्टी ये हमारा बुक प्रॉफिट है, 380 आ गया, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, बस कंसेप्ट क्लियर हो, आपने चीजों को 2-3 बार पढ़ रखा है तो आसानी से ये सारा चैप्टर हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर ये समझ में आया होगा कितना टफ है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कई पॉइंट्स अभी आने वाले हैं, चूंकि हम लोगों ने जब टैक्स रेट्स निकाले नहीं है, टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया है, तो अभी तक तो आसान है, लेकिन जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो टर्नओवर का भी केस आएगा, मैट के हिसाब से भी टैक्स निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से भी टैक्स निकालना पड़ेगा, आपको सरचार्ज भी याद करने पड़ेंगे, डोमेस्टिक कंपनी के केस में अलग और फॉरेन कंपनी के केस में अलग, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में अलग, तो फिलहाल हम इस चीज को ज्यादा टिपिकल नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं लाते, आपके टेंशन नहीं देते हैं, आप घर पे केवल इस चैप्टर को जितना मैंने करवाया है अभी तक, लास्ट सेशन और ये 3 क्वेश्चन, इनको ढंग से एक बार रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो भारी भरकम 2 से 3 क्वेश्चन फिर से सॉल्व होंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।